हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन में हैरी गिल। आप सभी का अपनी वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्बाद होने के कोई चार कारण, चार मेन कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से लोग आज अक्सर बर्बाद हो सकते हैं और आप सभी को इससे बचना चाहिए, तो आप उस पर सुधार करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपको इन वजह से बर्बाद होना पड़ सकता है। पहला कारण है आलस। बहुत सारे साथी हैं हमारे बीच में जो कि आलस करते हैं, सुबह देरी से उठते हैं और कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा टारगेट बना होता है उसको हम पूरा कर रहे होते हैं तो बीच में क्या होता है, आलस की वजह से उनका जो टारगेट है वो छूट जाता है और अपनी दिनचर्या को वो लोग बिगाड़ लेते हैं। उसकी मेन वजह होती है आलस। तो आपको लेजीनेस को अपनी लाइफ से रिमूव करना है, रिमूव करके ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आलस करते हैं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा कारण है भय, जिसे बोला जाता है फियर ऑफ फेल्योर। बहुत सारे लोगों को हार का डर होता है, या फिर कहते हैं कि अगर वो कोई भी चीज़ करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में उसको अचीव करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने पहले से सोच लेते हैं वो लोग कि ये कैसे होगा, क्या करेंगे, किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, अगर वैसा हो गया तो क्या करेंगे, अगर हमने ये नहीं कर पाया तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में वो पाल लेते हैं, उनको क्या होता है, भय होता है, डर होता है, जो कि डर को आपको भगाना होगा तभी आप चीज़ों को सही से कर पाएंगे। अगर आप पहले से ही डर जाएंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा तो आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर सकते। ये दूसरा मेन कारण है आपकी बर्बादी का, अगर आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तीसरा है नींद, जरूर से ज़्यादा नींद, जिसे बोलते हैं स्लीप। आप लोग, बहुत सारे लोग हमारे बीच में से ऐसे हैं, साथी ऐसे होंगे जो कि जरूर से ज़्यादा सोते हैं। मतलब कहने का मतलब, अगर डॉक्टर कहते हैं 6 घंटे 7 घंटे सोना चाहिए तो हमें मैक्सिमम 8 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य से पीछे हट रहे हैं। जो आपने कभी सोचा था कि मेरी ऐशो आराम की ज़िंदगी होगी तो वो आपकी कभी नहीं हो पाएगी। तो आपको नींद को भी अपनी लाइफ से हटा देना है। तो ये तीसरा मेन कारण है जो कि आपको बर्बाद कर सकता है। चौथा है सोना बाबू। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, गप्पे शप्पे मारते हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं वो लड़कों के चक्कर में पड़ी रहती हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो कि लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने एक दूसरे के साथ में टाइम बर्बाद करते रहते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ सोना बाबू चलता रहता है। अगर आप सभी लोग इसी प्रकार सोना बाबू करते रहेंगे तो ना तो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ना ही जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जिस प्रकार की आप लाइफस्टाइल चाहते हैं उसको कभी नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इन चार कारणों में से अगर कोई भी कारण अगर आपके अंदर है तो उसको जितनी जल्दी हो सके रिमूव करिए, अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। अगर आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो आप सभी लोग अपने लक्ष्य को बेहतरीन तरीके से हासिल भी कर पाएंगे। इन चारों पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, ये आपकी ज़िंदगी को और आपके जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए, रिमूव करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे और चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो सब हासिल कर लेंगे। आज का वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।